हार्ड हिटिंग डीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, पिछले कुछ वक्त से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत मुस्लिम बुद्धिजीवियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वह इमामों से मिलने मस्जिद भी गए और मदरसे जाकर बच्चों से मुलाकात की। संघ इसे सामान्य संवाद बता रहा है, मगर ये साफ है कि संघ मुस्लिमों से संवाद बढ़ा रहा है। ऐसे में जब संघ मुस्लिम समुदाय से संवाद बढ़ा रहा है तो क्या BJP के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? इसी पॉइंट पर हमारा वीडियो है। इसमें पहला पॉइंट है मजबूत पकड़ की कोशिश। BJP और संघ दोनों पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं, दोनों इसका खंडन करते रहे हैं। BJP का तो मानना है कि 3 तलाक पर बैन के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने BJP को वोट दिया है। नंबर 2, हाल ही में हैदराबाद में BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने पसमानदा यानी कि गरीब मुस्लिमों के बीच ज़्यादा काम करने को कहा। पसमानदा मुस्लिम वर्ग में पिछड़े हुए हैं। एक नेता का दावा है कि पहले भी BJP के साथ रहे हैं। नंबर 3, BJP भले ही कहती रही है कि वह मुस्लिम समुदाय से कोई भेदभाव नहीं करती, मगर BJP के उम्मीदवारों पर नज़र डालें तो टिकट की दौड़ में वे काफ़ी पीछे होते हैं। हाल ही में UP विधानसभा चुनाव में BJP ने एक भी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया। दोस्तों, अगले कुछ महीनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पिछले चुनाव में BJP के उम्मीदवारों की लिस्ट में एक भी मुस्लिम नहीं था। BJP के मुस्लिम नेता, खासकर अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता, ये कहकर BJP का बचाव करते हैं कि जीतने की काबिलियत के हिसाब से टिकट दिया जाता है। सिर्फ मुस्लिमों से संवाद बढ़ाने से BJP को कैसे फ़ायदा होगा? कोई भी वर्ग सत्ता में और फैसले लेने की ताकत में भागीदारी चाहता है। वह जगह न मिलने पर कितना साथ आएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह ही है। नंबर 1, पिछले कुछ वक्त में देश में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से इस्लामिक देशों में भारत को लेकर सवाल उठने लगे। इसके बाद BJP की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए। BJP के कुछ सीनियर मंत्रियों की तरफ से भी हाल में भड़काऊ बयानों के खिलाफ बोला गया। हालांकि BJP में ही ऐसे कई विधायक या स्थानीय स्तर पर नेता हैं जो अब भी कई बार मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं। नंबर 2, संघ के सीनियर प्रचारकों ने अनौपचारिक बातचीत में यह साफ किया कि संघ की तरफ से मुस्लिमों से संवाद BJP के लिए नहीं बल्कि संघ के ही लॉन्ग टर्म लक्ष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि समाज में सभी लोग शांति और सहयोग के साथ रहें। संघ चाहता है कि हिंदू समाज की ये मानसिकता तैयार हो कि भारत में रहने वाले सभी अपने ही भाई बंधु हैं, चाहे वह किसी भी पूजा पद्धति को मानते हों। नंबर 3, कई संघ मौकों पर कह चुका है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। संघ प्रचारक के मुताबिक संघ मुस्लिमों से लगातार कहता रहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। संघ प्रमुख ने हिंदू समुदाय की मानसिकता को तैयार करने के लिए ही बयान दिया कि मुस्लिम समुदाय और हमारा DNA एक है। यह भी कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।